नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल की एक और न्यू लाइव क्लास में। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट टू है और लाइव क्लास का पार्ट फोर है। सो फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन तक हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों को वो पसंद आया होगा। उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए, कोई भी समस्या होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ। साथ ही साथ में आप इस वीडियो को सभी के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रहा है इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम इसे और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो एक लाइक और एक शेयर जल्दी से कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपने ये सब काम कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास में है कि ऊष्मा धारिता के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है ऊष्मा मतलब हीट और धारिता मतलब कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के लिए ऐसा यूनिट जो है आपकी क्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी बताइए। तो चलो फिर मैं इसका आंसर बता दूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जूल प्रति कैलोरी या जूल प्रति कूलाम इनवर्स। ठीक है, कैलोरी इनवर्स आपके पास में हो जाएगा C-1, तो ये आप इसे लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में है कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है। ऑप्शंस आपके पास में है नोट, हर्ट्ज, मैक और टिक्टर। तो इसके लिए आपको आंसर बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास में वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोट। कि पराध्वनि जो आपकी होती है उसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोट का यूज करते हैं। ऊष्मा संवाहकता गुणांक यानी कि हीट कंडक्टेंस कोफिशियंट, इसका डायमेंशन आपके पास में क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, और इसका आंसर आपके पास में है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा MLT-3K-1। ठीक है, तो डायमेंशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसके आसानी से निकाल सकते हैं, और मैंने आपको लिस्ट दिया था उसमें से ही क्वेश्चंस हैं, तो वो आप देख लीजिए। टेलीग्राम में मैंने PDF भी शेयर कर दिया, और आगे भी आपको PDF फाइल्स मिलते रहेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा सिस्टम में आपको जो मात्रकों की संख्या है वो कितनी होती है, 5, 7, 6 और 10, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करेंगे, तो ये आपको बता देना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा सिस्टम में जो मात्रक हैं वो 7 होते हैं, ये फंडामेंटल की बात हो रही है। उसके बाद में तो आप ड्राइव तो कितने भी बना लीजिए। उसके बाद में निम्न में से कौन सा संबंध सही है आपको बताना है, एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड एक लाइट ईयर और पार्सेक, मतलब इनका जो ऑर्डर है वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। अपनी डिस्टेंस के हिसाब से ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये एरो ग्रेटर देन लेस देन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप चार ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इनका अरेंजमेंट आपको सही बताना है। सो गाइज, इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 40, तो सोच लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, सबसे जो बड़ी है आपके पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपके पास में, इससे आपके पास में क्या हो जाएगा, लाइट ईयर है, और उसके बाद में आपके पास में हो जाएगा पारसेक। ठीक है, तो 40 में बी आंसर आपके पास में हो जाएगा। ओके, उसके बाद में पारसेक सबसे बड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, पारसेक, और उससे बड़ा प्रकाश वर्ष होता है, सबसे छोटी होती है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो नीचे देखते हैं उसके बाद में कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, कौन सी राशि आपके पास में फंडामेंटल नहीं है, ड्राइव्ड है, ये आपको बताना है। तो देखो, आपको ऑप्शन है मास, ये भी होती है, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास में है, आयतन, तो ये आपको देखना है कि नहीं, कौन सी नहीं है ये आपको वहाँ पे बताना है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर, ये भी होती है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी होती है, एक फंडामेंटल यूनिट, और आयतन, द्रव्यमान भी होता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है, तो ये आपके पास में आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास में कि निम्न में से कौन मूल राशि है, ये आपको बताना है। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, वेग एंड ज्योति तीव्रता। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास में एक मूल राशि है, वेलोसिटी भी नहीं है, त्वरण भी नहीं है, घनत्व भी नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है।
ओके, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य एसआई प्रणाली का संबंध संबंध किस रूप में है, तो ये आपको बताना है। सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल डी यूनिट और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका आपको बताना है। एसआई का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, फुल फॉर्म आपके पास में है, 43 का आंसर आपको देना है। तो डी आंसर हो जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। 44 आपके पास में है, इसमें आपको बताना है कि मोल मात्रक अन्य मात्रक पर क्या करता है, निर्भर करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। जबकि मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है, वो आपके अन्य कोई अदर यूनिट है उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है, या हो सकता है डिपेंड करे, ये आपके पास में ऑप्शन है। 44 का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता, ड्राइव जो है फंडामेंटल पर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास में फ्रिक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट क्या होगा, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, पास्कल है, फेराडे है, हर्ट्ज है, कुलाम है। तो आवृत्ति के लिए आपको कौन सा मात्रक होगा आपको बताना है, ओब्वियसली आपको पता होगा हर्ट्ज होता है, ठीक है, एच ए डी से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि एक नैनो बराबर होता है आपके पास में, ठीक है। नैनो के बारे में मैंने आपसे बात किया था, माइक्रो के बारे में बात किया था, पीको के बारे में बात किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने सेकेंड क्लास में की थी, तो अब यहाँ पर आपको आंसर जवाब देना है इसका। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, जब -9 होता है, 10^-9, तब नैनो होता है, ठीक है, और 10^6 होती है तो माइक्रो होता है, आपको ध्यान रखना है, -6, एक माइक्रो बराबर होता है आपके पास में, यह आपको बताना है 47 के लिए। तो 47 के लिए अभी मैंने आपको बताया, 47 10^-6 में आपका क्या हो जाएगा, एक माइक्रो हो जाएगा। एक पीको आपके पास में किसके बराबर होता है, तो ये आपको बताना है, तो इसमें भी जो आपका आंसर हो जाएगा 10^-12, ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। तो इनके फटाफट मैंने आंसर बता दिया आपको, पहले सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से क्लास फर्स्ट और सेकंड को देखा होगा, वो थ्योरी था, अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉन, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक एंगस्ट्रॉन आपका किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10^-10, ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 10^-10 मीटर। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है आपको बताना है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, टाइम की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की और परावर्तन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसकी इकाई किसकी इकाई है, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो 50 का बी आंसर देगा, प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर आपके पास में दूरी का मात्रक होता है। ओके, उसके बाद में ल्यूमेन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपको बताना है, 51 का, तो इसका हो जाएगा आपके पास में ल्यूमेन फ्लैक्स, तो ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लैक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ज्योति फ्लैक्स का एल एम ल्यूमेन बोलते हैं उसे, ज्योति तीव्रता होता अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला बोलते हैं, सी डी से डिनोट करते हैं, ये आपके पास में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला निम्न में से किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत चालकता का, प्रतिदीप्ति का घनत्व और नन ऑफ दीज आपके पास में है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत चालकता, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडेंसिटी और प्रतिदीप्ति आपके पास में है, और उसके बाद में नन ऑफ दीज, 52 का आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा टेस्ला जो आपके पास में है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 53, बल युग्म का ऐसा ही मात्रक आपके पास में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो 53 के लिए आप लोग आंसर करेंगे, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, अब इनको तो पढ़ सकते हैं, न्यूटन इंग्लिश में भी न्यूटन ही होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये आपको बताना, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा 53 का आंसर। ओके, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आंसर बताइए, 54 का हो जाएगा बी आंसर, न्यूटन पर प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय फ्लैक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स ही होता है हिंदी इंग्लिश में, तो ऐसा ही यूनिट इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला अर्ग वेबर हेनरी, 55, तो इसका हो जाएगा वेबर, ठीक है। उसके बाद में पानी का घनत्व होता है, कितना होता है, 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10^6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 किलोग्राम मीटर क्यूब, 10^-3 किलोग्राम मीटर क्यूब, 56 इसके लिए आंसर करना है। तो जो पानी का घनत्व होता है वो होता है 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एम के अस्पति के अंदर हमने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, इनकी कौन सा डायमेंशन आपके पास में सही नहीं लिखा गया है। वॉल्यूम के लिए, बल के लिए, फोर्स के लिए, वेग, वेलोसिटी, डेंसिटी, घनत्व। 57 बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें गलत है डेंसिटी के लिए, बाकी सारे सही हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है, इनकी उसकी डायमेंशन नहीं होती है। एक तो आपके पास में विकृति है, एंगल है, और आपेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, ये आपके पास में ऑप्शन है, और या ऑल ऑफ दिस। 58 इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इन सभी की क्या होती है, विमाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लैंक नियतांक की विमाएँ समान होती हैं, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी के, फोर्स के, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। 59 तो इसका सही आंसर गाइस हो जाएगा डी ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, प्लैंक नियतांक की डायमेंशन। ये आपको ध्यान रख लेना, दो तीन पहले भी मैंने बताए हैं, जैसे कार्य की, ऊर्जा की हैं, आवेग संवेग की हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज हमने ये भी देख लिया कि प्लैंक नियतांक और कोणीय संवेग की भी बराबर होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम बल, वेग व समय के मात्रा को एफ, वी और टी चुने, तब द्रव्यमान की विमाएं होंगी। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है बल यानी कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, इसके लिए हम उसके डायमेंशन को, उसके मात्रक को, यूनिट को हम क्या करें कि उसके मात्रक को यानी कि बल के मात्रक को एफ से डिनोट करें, वेग को वी से डिनोट करें और टाइम को टी से डिनोट करें, तो द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए आपको पता ही है कि एफ बराबर एम वी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में निकालना क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान एम निकालना है, तो एफ अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ अपॉन वी का मतलब क्या हुआ, एफ वी माइनस वन। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60, इसका जो आंसर हो जाएगा वी माइनस वन, और इसके लिए विमा आपको बतानी है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा, एफ बराबर हमने क्या लिखा था, एम ए। अब ए क्या होता है, वी अपॉन टी होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा एफ अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम का तो निकालना ही है, एफ अपॉन वी और इंटू में टी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ वी माइनस वन टी। तो ये आपके पास सी आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एसआई इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है। तो एसआई यूनिट में आपको एनर्जी एंड वर्क के लिए बताना है, जूल होता है, अर्ग होता है, किलोवाट होता है, वाट होता है। 61 सो गाइस, 61 आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जूल। एसआई यूनिट कार्य का और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रतिबल का मात्रक और विमा नहीं होती है बल्कि, ठीक है, बलाघूर्ण के विमा वही होती है, वही मतलब सेम आपको बताना है कि जो आपके पास में दिया गया है प्रतिबल का जो यूनिट होता है और विमा जो होती है सेम उसी के होती है, किसके सेम होती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनके आपको फिर से एक पेयर ऐसा ढूंढना है जिसकी विमा प्रतिबल के बराबर हो, तो ये आपको बताना है। 62 आपके पास में है, बी आंसर हो जाएगा, दबाव की। ठीक है, प्रतिबल की विमा और दबाव की विमा सेम होती है। उसके बाद में श्यानता की एसआई यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है, तो इसके लिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, देख सकते हैं, पॉइज, पॉइज जूली, पास्कल और नन ऑफ दीज। 63 इसका आंसर हो जाएगा पॉइज जूली, सी आंसर हो जाएगा। कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसका मात्रक होता है, ध्वनि का, पावर का, शक्ति का, दबाव का, ऊष्मा का, हीट और दबाव फोर्स हो गया और साउंड हो गया ध्वनि। तो 64 में आपको आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा हीट का, क्यों, ऊष्मा को हम क्या मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद में है विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा वोल्ट एम्पियर, वोट, किलोवाट ओवर और किलोवाट। तो 65 में आपको आंसर करना है, इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट ओवर, ओवर मतलब घंटा, ठीक है, हावर बोल रहा है यहाँ पे, प्रति घंटा जो आप बोलते हैं, तो किलोवाट पर आवर विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, के डब्ल्यू एच बोलते हैं, किलोवाट आवर, जिससे हम यूनिट भी बोलते हैं, जो अपना डेली मीटर में यूज होता है उसको किलोवाट पर हावर में मापा जाता है। उसके बाद में आपके पास में है प्रतिदीप्ति का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। 66 आपके पास में आंसर है, 66 के लिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं।
तो ये आपके पास में हो जाएगा इसका आंसर डी, लक्स इसे बोलते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है लक्स। ये लक्स साबुन वाला नहीं है, ये लक्स इसका यूनिट है, जैसे आप यहाँ पे ल्यूमेन बोलते हैं या कैंडेला फोटोन बोलते हैं, वैसे ही लक्स है ये। फिर से लिख देता हूँ, इस प्रकार लिखा गया, हो सकता थोड़ा ब्लर हो रहा हो। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी है जो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि कौन सी है, ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड और नन ऑफ दीज। 67 में आपको आंसर बताना है, तो इसमें हो जाएगा सारी जो है आपके पास फंडामेंटल हैं, तो कोई भी ड्राइव नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई भी व्युत्पन्न राशि नहीं है, सारी फंडामेंटल हैं। उसके बाद में है मैनोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापन के लिए किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 68 में आंसर बताना है, फोर्स दाब के लिए, आर्द्रता ह्यूमिडिटी गुरुत्व के लिए या वॉल्यूम के लिए। ओके, 68 का आंसर आपको बताना है, 68 में हो जाएगा फोर्स यानी कि दाब, मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए जाता है, दाब के लिए। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इसका आपको बताना है यूनिट क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट ऐसा ही एमकेएस प्रणाली में कौन सी होगी। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। 70 आपके पास में है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई का क्या नाम है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है, आवेश की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, इसमें हो जाएगा ईएसयू, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा ईएसयू। सो गाइज, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है और 35 क्वेश्चंस, और हमारे टोटल 70 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हो गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आओ आप मान सकते हैं कि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चार वीडियो मैंने इसके लिए बना दिए हैं, एक टॉपिक के लिए दो प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए और थ्योरी का चैप्टर करवा दिया। आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लिया हो तो आप आसानी से इसको फाइट कर सकते हैं, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस ये वो चीज़ जो मैंने बता दी कम्प्लीटली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और पसंद तो आया ही होगा। तो वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, साथ ही साथ शेयर कर दो सभी के साथ में, कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। और गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, और कब स्टार्ट होगा क्या होगा सारा शेड्यूल आपको कम्युनिटी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी हमने लगा लिया, तो आप इसके क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहें तो आपको लाइक कमेंट और शेयर्स तो करने ही होंगे यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं आई थिंक, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप एक लाइक बटन दबाने में और आपको एक शेयर बटन दबाने में कुछ भी नहीं लगता है आपका, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें करूँ, आप भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कौन सा टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।